नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन यानी कि आईफोन के एक ऐसे फीचर के बारे में जिससे लोगों की जान भी बच सकती है। जब हमारे और आपके जीवन में पहली बार कंप्यूटर का आगमन हो रहा था तो उस समय यह कहा जा रहा था कि यह कंप्यूटर एक साथ कई लोगों का काम कर देगा। इसके आने से देश में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसी कंप्यूटर के माध्यम से कई चीज़ें ऐसे भी थी जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दे रही थी और आने वाले समय में यह काफ़ी कारगर भी साबित हुई। इसी तरह से जब मोबाइल का आगमन हुआ तो लगने लगा कि अब तो नई पीढ़ी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, लेकिन क्या देश में मोबाइल बिकना कम हुआ? अब तो स्थिति यह है कि लोगों के हाथ में एक छोड़ दो दो फोन हो गए हैं। ऐसे में यह कहना कि मोबाइल आने से युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर हुआ है, यह हमारी और आपकी समझदारी को दिखाता है। खैर, मोबाइल की ही जब बात हो रही है तो आज हम आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो कि लोगों की जान को बचाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको देखकर लगेगा कि सच में ऐसा भी होता है। दरअसल एक घटना का जिक्र किया जा रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक कपल पहाड़ से 300 फीट नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच गया और बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की जान बच गई, वह भी मोबाइल के कारण। यह सब कुछ हो पाया है एप्पल फोन के एक फीचर के कारण। बता दें कि एप्पल फोन 40 में इस तरह का फीचर है जो कि जीवन को बचाने में कारगर है। मॉन्ट्रोस रिसर्च एंड रेवेन्यू टीम ने ट्वीट करते हुए इस घटना के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के एंजलस कॉरेस्ट हाईवे पर पति पत्नी कार से जा रहे थे। उनकी कार पहाड़ से 300 फीट नीचे जा गिरी। हालांकि नीचे गिरने के बाद उनका जीवन बचा हुआ था। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आखिर अपनी जान को बचाने के लिए वे लोगों को बुलाएं तो कैसे, उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यही थी। हालाँकि उनके पास आईफोन 40 था जिससे वे मदद के लिए किसी को बुला सकते थे, जिसके बाद पति पत्नी ने अपने फ़ोन से क्रैश डिटेक्टर फीचर की मदद से इमरजेंसी कॉल के द्वारा मदद ली। एप्पल में मौजूद इस खास फीचर की प्रमुख बात यह है कि आप सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो आप इमरजेंसी कॉल या फिर मैसेज करके मदद की गुहार लगा सकते हैं, मदद बुला सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको एप्पल को चार्ज भी देना पड़ेगा। इस पूरे फीचर को लेकर एप्पल ने बताया है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर आईफोन 40 यूजर्स को एक रिस्पॉन्स देने वाला सैटेलाइट से कनेक्ट करता है और उस कनेक्शन का इस्तेमाल SOS कॉल या फिर मैसेज भेजने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि एप्पल के पास कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, वह SOS के लिए ग्लोबल स्टार से मदद लेता है। इस ग्लोबल स्टार की स्थापना साल 2001 में की गई थी। ग्लोबल स्टार सैटेलाइट फीचर पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित है। जब आप पृथ्वी से कोई भी मैसेज या फिर कॉल सैटेलाइट को भेजेंगे तो यह कॉल सेंटर को बताएगा कि यहाँ से कॉल या फिर मैसेज आया है, जिसके बाद आप यहाँ से मदद की गुहार लगा सकते हैं। इसी इमरजेंसी फ़ोन के लिए और SOS सुविधा के लिए एप्पल आपसे अलग से चार्ज लेता है। हालांकि इस फीचर के कारण एक परिवार की जान तो बच गई, वर्तमान परिवेश में एप्पल फोन को रखना एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है, लेकिन आईफोन 40 में ऐसी सुविधा है जिससे कि आपकी जान भी बच सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि एप्पल फोन आप इतना महंगा फोन रखते हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि यह लोगों की जान बचाने में भी कारगर है। तो ये था एक तकनीक से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।